ऊपर छटकी भी परिक्रमा लगाया। आराम से आए, मारो नहीं आराम से। जी से दुकानदार वाले ने बोला आपका पैसा गिरा है, तो कहे चलो भैया उठाओ, और उसी में से मैंने सबको मारा जाएगा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर ऑल गुड। माय नेम इज अंशु राज, एंड और एक बार फिर से प्लान बन चुका है कालका जी टेम्पल जाने का, मतलब दिल्ली में। और अकेला तो प्लान था नहीं, ऐसे घूम रहे थे सिटी सॉरी ग्रीन पार्क में, तो प्लान बन गया। और हमारे फैमिली लोग हैं, सबसे पहले तो ये आदित्य भैया फ्रॉम दुबई, बोलिए दुबई। अच्छा बोलेगा, अच्छा बिल्कुल। और दूसरे हमारे एक भैया जी जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं भाई, हेलो हेलो गाइस। और हमारे पापा श्रीमान, चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो जा रहे हैं आप कालका जी की तरफ, और छोटा सा मैं आपको व्यू जरूर दिखाऊंगा एक सेकेंड। और इस साइड में अगर सामने निकल जाऊँ तो मैं पहुँच जाऊँगा सीधा एम्स, जो कि ग्रीन पार्क के साइड ही पड़ता है। और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। तो अभी आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन में। ये स्वराज भाई का डिमांड था कि मेट्रो स्टेशन थोड़ा सा दिखाइएगा, तो ये है कुछ नज़ारा। और यहाँ पे भाई मतलब कैमरा अलाउड नहीं है, इतनी जितना हो सका मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अजीब नहीं लगता हमेशा ये दिल्ली में मास्क लगाते रहो 24 घंटे? मास्क लगाना सब जगह अलाउड नहीं है बस, लेकिन सही है मास्क लगा रहे हैं। बस मेट्रो में ही लगाते ज़्यादा, मेट्रो में कंपलसरी है, बाकी बात स्टेशन वगैरह पर भी कंपलसरी है। तो हम लोग अभी ग्रीन पार्क में भैया के ऑफिस में गए थे, और भैया के ऑफिस में क्या मिला जरा दिखाना भाई, क्या मिला भाई, थक यार एक बार दिखाना दो। से मतलब ग्रीन पार्क से हम लोग हौज खाता है, और यहाँ से मजेंटा लाइन पकड़ के हमें जाना होगा कालका जी मंदिर। वैसे मेट्रो स्टेशन है, बहुत जगह पे आपको मतलब शॉप वगैरह भी मिल जाएगा, KFC वगैरह, मैकडोनल्ड्स, जैसे कि मैं आप KFC भी दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो हमारे सामने है KFC, और अगर आप चाहे तो खाइए पीजिए बैठिए। और ये सामने मजेंटा लाइन की ओर इस साइड है बर्गर किंग, मतलब इस साइड आपको मिलेगा KFC और इस साइड बर्गर किंग। ध्यान से देखिए इस लड़के को जो सामने खड़ा हुआ बैठा हुआ है, उसके लिए एक लड़की होया जा रहा है। कुछ डिमांड है तो बता दीजिए। देखिए we are looking for a girl, वाह क्या सीन है, आगे चलिए। आज कालका जी मंदिर में आपका शादी है, चलिए आइए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कालका जी मंदिर, पीछे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आने के दो रास्ते हैं अगर आप यहाँ पे आना चाहे तो पहला तो अपना मैजेंटा लाइन जिससे हम लोग अभी आ रहे हैं, और दूसरा है वो वॉलेट लाइन मतलब वॉलेट लाइन। दोनों में से आप किसी भी लाइन से यहाँ पर आ सकते हैं। और जो भाई यहाँ का माहौल है काफ़ी झकास लग रहा है, यानी ज़बरदस्त। तो देखते हैं और आगे कहाँ हम लोग मतलब कालका जी मंदिर किस साइड से जाते हैं। सो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। और भाई बैक टू बैक ब्लॉग आ रहा है, तो इस बात से एक लाइक तो बनता है। कैसा लग रहा भैया यहाँ पे आने के बाद, मतलब अच्छा लग रहा है? चलो पहले चलते हैं, उसके बाद बताएंगे कैसा क्या करना है, मतलब आगे की जानकारी। हाँ। आगे जा भाई, धूप खतरनाक है, जाके बताएंगे। आज धूप बहुत ज्यादा है, बिना चश्मा के अजीब सा लग रहा है देखने में, बिना चश्मा के। हम लोग अभी इस साइड से ऊपर आए हैं और इस साइड जा रहे हैं, देख रहे हैं किस साइड हमें मिलेगा मतलब मंदिर जाने का रास्ता। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा किस साइड से हम लोग को जाना होगा, लेकिन आप लोग को दिक्कत नहीं करेंगे, जब भी आप यहाँ पे आना चाहे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं यानी कालका जी मंदिर, तो आपको मेट्रो स्टेशन के पास में छोटा मोटा स्टॉल जैसे चाउमीन चाट गुपचुप और आइसक्रीम वगैरह का भी मिल जाएगा। और गर्मी है तो भाई कुछ ठंडा पानी पीजिए तो आपका शरीर में एनर्जी जो है वो बना रहे। गर्मी है तगड़ा है। चलो
ज़्यादा कहीं चलने का ज़रूरत नहीं है। वैसे हम लोगों को भी ऐसा लगा था कि साइड निकलेंगे, बट जैसे ही आप अगर मेट्रो से मतलब बाहर आते हैं तो आपको ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ, साइड देख सकते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन मतलब स्वागत करता है। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ पहले। तो ये रहा अपना बोर्ड कालका जी मंदिर। सामने अपनी लाइन जो है वो लगी हुई है, देखते हैं कैसा रहता है अंदर का सीन, ज़्यादा भीड़ है या फिर मतलब जल्दी ही दर्शन हो जाएगा हम लोग को। तो भैया कैसा लग रहा है तपती धूप में? गर्मी ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या क्वालिटी लग रहा है। DSLR से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखना भाई सर्दी है तो खांसी ना हो जाए पानी पीने के बाद, नहीं तो फिर से वो अक्षरधाम वाला हाल हो जाएगा। चलो भाई घर चलो, चला कैमरा बंद करो, इधर भी ताले दो आराम से। अरे मारो नहीं, मारो नहीं आराम। गोली गोली क्या चोट लग गया? अंदर से आते हैं, अंदर से आते हैं फिर तुम खिलाएंगे खाना। नहीं तुमको है ना सब बदमाशी करते हुए। ये कितने का? 50। खुले मेरे पास नहीं है। तुम लोगों ने यहाँ पे शूज जो है वो खोल दिया, हमें यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तुम लोग अभी मंदिर में आ चुके हैं और मैं आपको और भी यहाँ पे दिखाता हूँ कैसा भाई मुंह सूख रहा है गर्मी से काफी। तो मैं आपको बैक कैमरा से सारा का सारा जो भी है वो पहले दिखाता हूँ कालका जी मंदिर का। हम लोगों ने मतलब स्टार्टिंग में जब आते हैं तो बाहर से आपको और पूजा के लिए प्रसाद और साथ ही आपको शूज जो है बाहर ही खोलना पड़ेगा। शांति में बहुत ज्यादा रश था यहाँ पे, खतरनाक वाला। तो फाइनली पूजा वगैरह हो चुका है, मतलब हमने दर्शन कर दिया है और हम लोग अब निकल चुके हैं कालका मंदिर से। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में तीन मतलब छोटे छोटे बच्चे को देखा होगा, हम लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग जब बाहर से आएंगे तो जरूर उसे कुछ खिलाएंगे। तो हम लोगों ने आके उसे माजा पिलाया और किस्मत वाली बात ये है कि देखिए ऐसा अगर कुछ आपको करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कैमरा में दिखाए तभी करें, कभी कभी कैमरा के पीछे भी करना चाहिए।
और हमारे साथ एक बहुत बड़ा अच्छा सा चीज हुआ जो आप बोल सकते हैं। साफ दिल से नेकी करते हो तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है, वही बात है इनके साथ भाई। हम परफेक्ट बोले और क्या इन्हें मिला है, आज ये खर्चा कर रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं बढ़िया से। नहीं जैसे जैसे मतलब हुआ ये था, जैसे मैं गया मजा खरीदने के लिए उन लोगों के लिए, तो मेरे पैर के नीचे 100 रुपया गिरा हुआ था। अब वो मेरा नहीं था, मैं तो इतना कन्फर्म हूँ, बट जिसे दुकानदार वाले बोला आपका पैसा गिरा, तो कहे चलो भैया उठाओ, और उसी में से मैंने सबको माजा जगह पिला दिया है। तो ये है सीन, और मैं रिकॉर्ड नहीं किया, यही बहुत अच्छी बात है। सर चैनल तो सब्सक्राइब नहीं आ रही है, लाइक करिए, लाइक कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बात परफेक्ट है, बेल बटन जरूर आपने दबा के जाइए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अब अगले वाले ब्लॉग लोटस टेम्पल का, क्योंकि यहाँ से जस्ट कालका मंदिर से बस बगल में ही है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, एक नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।